दोस्तों, मैं महेंद्र पुराट सूरत से, NDS यूनाइटेड सिस्टम हॉस्पिटल सूरत गुजरात। ये हमारे बहन है जिसको कैंसर हुआ था, अभी मैं बोल सकता हूँ कैंसर हुआ था। अभी वो हमारे अस्पताल में 1.5 महीने का ट्रीटमेंट लेके जा रही है, तो हम उनसे उनका अनुभव उनके मुंह से सुनेंगे। ये इनका बेटा भी उसको लेने के लिए आया है, तो उनसे भी हम सुनेंगे कि आपको अपनी माताजी का जो यहाँ हमारा नेचुरल फूड का ट्रीटमेंट हुआ, उनसे क्या किसको किस कैसा लगा। तो पहले हम सुशीला बहन को पूछते हैं, आप अपना नाम, उम्र और रोग बताइए, फिर कितने मोबाइल नंबर बताइए, और बाद में ये रोग कितने समय से है, क्या क्या किया ये बताइए, और आपको क्या दर्द हो रहा था ये बताइए पहले। मेरा नाम सुशीला बेन, अहमदाबाद, फोन नंबर 99251-63-210। 9925163210। मैंने कैंसर की बीमारी थी, मुझे कैंसर की बीमारी थी, तो हमने दिखाया डॉक्टर को, तो वहाँ बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले तो मेरे को थोड़ा दर्द होता था कि क्या ज़्यादा दिन हो गए तो दर्द बढ़ गया, तो डॉक्टर ने बताया हमने, तो वो बोले कि अभी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मेरा ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन हुआ तो पता चला कि गर्भाशय के अंदर नहीं है कैंसर, गर्भाशय के बाहर है, पेट में है, मतलब पेट में है। तो ऐसे गर्भाशय की वो क्या बच्चादानी निकालनी थी, तो वो निकाली नहीं, वो बोले डॉक्टर कि निकालेगा तो उसको ज़्यादा नुकसान होगा, तो वो निकाली नहीं, और क्या कि ऑपरेशन करके ऐसे ही बंद कर दिया। कितना रुपया लिया था? 1.5 लाख रुपया लिया। 1.56 लाख मिला कुछ नहीं, हाँ नहीं, फायदा कुछ नहीं हुआ। और ऐसे 32 तो मेरे को टाँके लगे, टीसी लगे, और फिर ऐसे तो हमने आपको घर भेज दिया कि भाई अभी जाओ, हाँ आपको कीमो लेना पड़ेगा। फिर घर पे गए तो हमने थोड़ा बहुत जाना था कि नेचुरल जो है थेरेपी है वो अच्छी है, तो मैंने मेरे सहेली से पूछा कि कोई है ऐसा सेंटर है, हाँ कोई सेंटर हो तो बताओ। तो उसके पहचान वाली एक थी बहन, तो उसको लेके हमारे घर पे आए, और घर वालों को सबको समझाया कि ये थेरेपी अच्छी है, NDS थेरेपी अच्छी है। मेरे को भी, ये बहन को भी कैंसर था, तो उसको भी उससे NDS से बीट गया था। तो घर वालों को तो ऐसे नहीं मानते थे, वो तो कीमोथेरेपी लेने के लिए सब तैयार थे, रेडिएशन लेने के लिए सब तैयार थे, कि वो नेचुरल से तो थोड़ा मिटेगा, ऐसे था। फिर मैंने बोला कि 2 महीने मेरे को दो, फिर बाद में आपको जो करवाना हो कराओ। तो हमने महेंद्र भाई का एड्रेस सुना, और महेंद्र भाई से बात की, फिर पता चला कि वो नेचुरल करवा रहा है, तो फिर हम अपॉइंटमेंट लेके यहाँ सूरत आ गए सेंटर। फिर हम रुके तो 1.5 महीने से मैं यहाँ हूँ, और यहाँ रुके तो हमको 3 टाइम जूस, एनिमा, वो पट्टी, वेट पट्टी, मिट्टी पट्टी सब करवाते थे। तो शुरू में तो मेरे को बहुत डर हुआ था कि कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, ऐसा तो घर पे तो वो सबको बोल के आई हूँ, लेकिन अंदर से थोड़ा डर था। तो वो सब डर महेंद्र भाई ने निकाल दिया कि कुछ नहीं होगा, आप अच्छी हो जाएगी और कैंसर मिट जाएगा, ऐसे बोल रहे थे। तो मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ी, और यहाँ एक बहन भी आती थी, तो जागू बहन, तो उसने भी 5 साल से वो परेशान थी। पहले तो उसको बहुत सारी बीमारियां थी, तो उसने 60-60 दिन का 2 बार किया रसार किया, तो उसको सब बीमारी चली गई। 5 साल हो गया, हाँ अभी 5 साल हो गया। तो सुबह में वो क्या जूस लेती है, और दोपहर में फ्रूट, और शाम को एक एक टाइम भोजन लेती है।
आपको आपको यहाँ कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। दवाई साथ में लेके आई क्या? किया आपने? हम दवाई साथ में लेके आई थी लेकिन मैंने एक भी दवाई नहीं ली। अभी वापस इसका क्या करना है सोच रहे हैं। इधर ही में डालोगे तो मछली मर जाएगी। तो एक भी दवाई नहीं ली मेरे, आपसे मैंने दवा सब छोड़ दी और मेरे को अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि मेरे को कैंसर तो मन में से निकल गया है, मेरे को है ही नहीं, ऐसे लग रहा है। और आप दुनिया को क्या बताना चाहेंगे? और ये शुरू करने के बाद आपको क्या क्या दिक्कतें आई? मैंने जब शुरू किया तो पहले तो क्या थोड़ी घबराहट होती थी, वॉमिटिंग होती थी और चार दिन तो मेरे सारे सर में इतनी खुजली कि मैं सो नहीं सकूँ, बैठ नहीं सकूँ। तो महेंद्र भाई को पूछू, महेंद्र भाई कब मिटेगी? तो कि सब तो अंदर से निकल रहा है, सब अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सहन करो। फिर क्या आगे थोड़ा दिन में तो सब खुजली वुजली खत्म हो गई, फिर बाद में थोड़ी एसिडिटी हो गई थी थोड़ी, वो भी अच्छी हो गई। अभी तो मेरे को कुछ नहीं है, एसिडिटी नहीं है, घबराहट नहीं है, कुछ नहीं है, अभी सब बढ़िया है। और मैं भूल ही गई हूँ कि मेरे को कैंसर है। डेढ़ महीना पहले आप आई तब जो दर्द होता था जब दवा खाने गई, वो अभी दर्द कुछ हो रहा है पेट में? नहीं, कुछ पेट में भी कुछ दर्द नहीं हो रहा, अब सब बढ़िया हो गया है, सब अच्छा है। और अभी बाकी का डेढ़ महीने का कोर्स हमारा अधूरा है, कोर्स से मैं घर पे जाके रसायनिक करूंगी और पूरी ट्रीटमेंट करूंगी, फिर बाद में जो महेंद्र भाई बताए उसे आगे मैं बोलूंगी क्या करना। और ये उनका बड़ा लड़का है, तो आपको अपनी माता जी को ये रोग आया तो कैसा लगा था पहले? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मेरी माता जी है, तो बेटा नीरज, और स्टेज 3 कैंसर सुन के ही पूरा परिवार डर गया था। हमारे फैमिली में पहली बार है कि ऐसा स्टेज 3 कैंसर हुआ है, हमारे लिए तो पूरा नया ही है, भगवान करे किसी को भी कैंसर ना हो। लेकिन यही है कि मतलब डॉक्टर ने हमसे 1.5 लाख रुपये ले लिए, 2 लाख रुपये जो भी खर्चा किया, खर्चे का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये परेशान हुई उसको अभी 32 स्टेजेस है, अभी भी पेट में है। लेकिन वो कराने के बाद भी उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेन प्रॉब्लम यही है कि पैसा खर्चने का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसा खर्चने के बाद भी अगर कुछ फ़ायदा ही नहीं है तो वो पैसे से क्या मतलब है? इसका रोगी का रोग दूर ही नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम? तो ये जो हमने सर्जरी करवाई उसका ऑपरेट किया वो ज़रूरी नहीं था, ऐसा हमको बाद में मालूम पड़ा। अभी हम तो क्या डॉक्टर जो बोलते हैं उसको फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद हमने लकीली भगवान की मेहरबानी से हमको ये मालूम पड़ा कि महेंद्र भाई सूरत में ऐसा MDS सेंटर चलाते हैं। हमको पहले मालूम ही नहीं था ऐसा कुछ है, लेकिन ये सर्च किया ऑनलाइन में तो ये मिला। और फिर बोला कि ये रेजिडेंशियल भी है, नॉर्मली बहुत सारे MDS करवाते हैं लेकिन वो किसी जो पेशेंट को रखते नहीं है, कि महेंद्र भाई जो है गुजरात में तो वो रखते हैं, और गुजरात की बात मुझे मालूम नहीं है। तो हम यहाँ पर आ गए, मम्मी भी पहले ये बोल रही थी कि कैसे रहेगी ऐसा, लेकिन महेंद्र भाई जो है ना उनको मैं तो यही बोलूँगा कि तन से तो शायद कैंसर निकल गया ही होगा, क्योंकि हमने अभी तक टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन उन्हें टेस्ट करवाएंगे, लेकिन मन से भी कैंसर निकाल दिया है वो बड़ी बात है। मोस्टली क्या होता है, दर्दी जो होता है वो मन से परेशान रहता है कि हाँ मेरे को कैंसर हो गया है तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, है ना। लेकिन जो महेंद्र भाई हैं, जागृति बहन हैं और मधु बहन हैं, तो सही में बोल रहा हूँ कि मतलब ये पूरा टीम जो है वो अच्छी तरह से पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। और मैं तो यही बोला कि कुछ भी आपको हो रहा है, हम कैंसर के लिए आ सकते हैं, तो आप छोटी मोटी अगर एसिडिटी है, किडनी फेल है, लीवर के लिए है, या तो कोई भी जो आजकल बहुत चला है उसके लिए, मैं तो बोलूँगा पहले आप 1-2 महीना महेंद्र भाई को दीजिए बराबर, और महेंद्र भाई को देने के बाद ही आपको आगे करना है। आपको फ़ायदा ना हो ऐसा होगा ही नहीं कि फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको फ़ायदा ना हो तो आप फिर आगे ट्रीटमेंट करवाना। मैं तो यही बोलूँगा कि ये जो हॉस्पिटल से 10वें भाग के खर्चे में आपको इतना रहेंगे, है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो बोलूँगा कि महेंद्र भाई बहुत ही सेवा का भगवान का काम कर रहे हैं सभी लोग, महेंद्र भाई और पूरी टीम, तो भगवान करे आप उनको और आगे बढ़ाएं और जैसे ही दर्दियों की सेवा करते रहें, और जो लोगों में तन का प्रॉब्लम है और मतलब जो भी तन का मन का दोनों को दूर करते रहें। और बहुत सारी बधाई आपको, ऐसा कुछ सेवा करे कर रहे हैं आपको, मैं तो इतना बोल रहा हूँ कि अच्छा। और ये अभी बहुत सा अभी मतलब वो अभी उन्होंने स्टार्ट किया है तो उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो अभी यूज़ कर रहे हैं, और आगे बहुत सारे अभी क्या है मतलब शायद 10 या 15 बेड की वो हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं, तो आप उनका भी नंबर इसमें होगा ही, तो
तो वो आप बात करिए उनसे और अपना बुकिंग करवाइए। मेरे सामने ही अभी मैं दो दिन से इसके लेने के लिए आया हूँ, मेरे सामने ही बहुत सारे पेशेंट, एक बहन आई थी वो एसिडिटी की और गैस की आई थी, और एक बहन आई थी तो उसके पहले कुछ सासू माँ को प्रॉब्लम था उसके लिए आई थी, तो वो भी दवाई लेके गए हैं और ये बन जाएगा शायद 15-20 दिन में बोला है, तो वो यहाँ पर भी आएंगे। तो आप सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और मैंने बोला कुछ भी आपको होता है आप अपने लाइफ में ये NDS जो सिस्टम है उनको समझिए, ये ऑनलाइन शिविर भी करते हैं तो उनके शिविर में जाइए, समझिए कि कैसे जीना है प्राकृतिक तरीके से। जो ऋषि मुनि जो जी रहे थे ना वो हमको सिखा रहे हैं, मतलब वो बहुत अच्छी बात है, तो आप सभी लोग सीखिए। मैं तो ये मेरी मम्मी का एग्जाम्पल है राइट, तो हमको कीमो थेरेपी करवानी थी, रेडिएशन थेरेपी करवानी थी, हमने कुछ नहीं कराया, हम यहाँ ही लेके आए हैं, तो आप भी करवा सकते हैं। कैंसर से बड़ा क्या होता है ना, वो तो आपके बाकी के रोग तो ऐसे ही सब छोटे ही हैं, तो महेंद्र भाई और टीम जो है वो पूरा कर देंगे। तो यही, थैंक यू महेंद्र भाई। अपना नंबर बताइए सबको। हाँ, मेरा नंबर है 7043044854, नीरज राजपूत, ये मेरा नंबर है, तो आप ये करवा सकते हैं, मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मम्मी को भी कर सकते हैं, जिसको भी करना है, हमारा जो एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको लगता है कि रेडिएशन जो नहीं लिया वो आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ? हाँ यस सर, रेडिएशन कीमोथेरापी वो बोलते हैं कि महंगी ट्रीटमेंट की तरह से भी मेन क्या है कि ये जो है ना बाल चले जाते हैं, मतलब वो भी हम सहन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट नहीं मिलता ना तब बहुत दुख होता है। जैसा हमने ये ऑपरेट करवाया उसमें 1.5 लाख का खर्चा किया, लेकिन उससे जो रिजल्ट नहीं मिला ना, अगर वो हो जाता तो हम खुश हैं, ठीक है 1.5 लाख खर्चा दिया तो क्लियर हो गया, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो मेन यही कि पैसा देने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो कोई भी आपकी परेशानी हो, तो वो होना चाहिए और यहाँ मिलता है। मैं बोला कि 10 से मतलब बहुत ही कम खर्चे में करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा सबके लिए, और यही मैं बोलना चाहूँगा महेंद्र भाई और पूरी टीम को, जागृति बहन, मधु बहन, फिर से नाम लेना चाहूँगा कि ये सही में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं आपको भी बहुत बड़े ये काम आगे और सबकी सेवा करते रहें। थैंक यू, ठीक है, आभार, धन्यवाद।